गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 5वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती, दूसरी इकाई, पृष्ठ क्रमांक 31, पाठ 4, बालिका दिवस। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम पूरे वर्ष में विविध प्रकार के दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार बच्चों, हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और वो चाहते थे कि उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाया, इसीलिए हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मानते हैं। इसी प्रकार बच्चों, भाई फुले, इनके जन्मदिन को भी हम बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। सावित्रीबाई फुले यह महाराष्ट्र की थी, भारत की पहली महिला अध्यापिका, मतलब फर्स्ट वुमेन टीचर। बच्चों, ये पहली महिला थी जो अध्यापिका बनी थी और इन्होंने ही स्त्रियों के, बालिकाओं के, लड़कियों के शिक्षा के प्रति जोर दिया और उन्हें बढ़ावा दिया कि वो भी पढ़ सकती हैं, उन्हें भी पढ़ने का हक मिलना चाहिए। इसीलिए इनके जन्मदिन को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का पाठ क्रमांक 4 बालिका दिवस हमारा इसी के ऊपर निर्भर है। इस पाठ में कुछ बच्चे हैं जो एक बच्चे के घर पर एकत्रित होकर बालिका दिवस के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। हम भी उन चर्चाओं के बारे में जानेंगे। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहां चाची जी और बड़े भैया भी हैं। चाची मतलब दुर्वा की माँ और दुर्वा के बड़े भैया हैं। जहाँ पर क्या है, दुर्वा के घर पर सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। दुर्वा, सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। बच्चों, दुर्वा ने क्या कहा सृष्टि से? सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। इस बात पर सृष्टि ने जवाब दिया, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। सृष्टि ने बच्चों क्या जवाब दिया कि आज 3 जनवरी बालिका दिवस है। 3 जनवरी को ही सावित्री बाई फुले का जन्मदिन होता है और उसे हम बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर प्राची ने कहा, एक और फ्रेंड उनकी, उसने कहा, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्री बाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहन जी मतलब बच्चों, छोटे छोटे गांवों में जो उनकी पाठशाला होती है, वहां के बच्चे अपने शिक्षक को बहन जी कहकर भी रिस्पेक्ट देते हैं। तो प्राची ने अन्य दोस्तों से ये कहा कि आप लोग को तो याद आया, कल क्या है, सावित्री बाई फुले का जन्मदिन है। ऐसा कहकर हमको हमारे शिक्षक ने, बहन जी ने बताया था कि हम क्या करेंगे, उसको बालिका दिवस के रूप में मनाएंगे। तो चाची जी कहती हैं, सावित्री बाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षक मानी जाती हैं। अपने
पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। चाची ने भी सावित्रीबाई फुले के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने बच्चों को दी। क्या कहा उन्होंने, ये क्या थी, सबसे फर्स्ट, महाराष्ट्र की सबसे फर्स्ट टीचर थी, वुमेन टीचर। और इनके जो हस्बैंड थे ज्योतिबा फुले, इन्होंने भी क्या किया, अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट किया बहुत, और उनके सपोर्ट की वजह से ही क्या हुआ, इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर, हस्बैंड वाइफ ने पुणे में, महाराष्ट्र में पुणे जो एक स्थान है वहाँ पर क्या किया, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला, पहला स्कूल, फर्स्ट स्कूल खोला था, शुरू किया था। यह सब बातें सुनकर जुशान कहता है, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। जैसा कि बच्चों आज सबको पता है कि आज के समय में सारी लड़कियां, लगभग मैक्सिमम लड़कियां स्कूल जाती हैं। आप अपनी कक्षाओं में भी देख सकते हैं कि 50% तक लड़कियां भागीदार हैं। पढ़ाई लिखाई अन्य क्षेत्रों में भी बहुत आगे बढ़ गई हैं। आज लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सारे पोस्ट पे पहुंच चुकी हैं। मंत्र, तो मंत्र ने क्या कहा, हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेल कूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि चाहे सोशल सर्विस में देखिए, चाहे एजुकेशन, साइंस में, म्यूजिक में, किसी भी चीज़ में आप देखिए, लड़कियां सब जगह आगे बढ़ गई हैं। सृष्टि, तो सृष्टि ने क्या कहा, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। सृष्टि ने क्या बताया बच्चों, कि उसकी माँ क्या बताती है, कि शिक्षा हमें क्या करती है, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, सजग बनाती है। मतलब हमें शिक्षा बहुत ही जरूरत है, शिक्षा होगी तो हम क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो सारी बातें सुनते सुनते दुर्वा के भैया ने कहा, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि एक लड़की जब शिक्षित होगी तो पूरा परिवार कैसे शिक्षित होगा, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ। देखिए बच्चों, लड़कियाँ जो होती हैं वो अपने घर में तो शिक्षा ग्रहण करती हैं, साथ में अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन के बच्चों या मामा चाची जिनके बच्चे उनके साथ रहते हैं उनको भी पढ़ने के लिए उत्तेजित करती हैं। साथ ही लड़कियाँ जब विवाह के बाद दूसरे घर जाती हैं तो वहाँ पर भी वो वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए सिखाती हैं, और अगर वो शिक्षित हैं तो वो अपने स्वयं के बच्चों को भी पढ़ाएंगी लिखाएंगी। इस प्रकार एक लड़की के शिक्षित होने पर पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। प्राची, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो प्राची ने सारी बातें सुनते सुनते कहा कि हम सबको क्या करना चाहिए, खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसके बाद सभी बच्चे ने कहा, खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है कि आप यदि अगर पढ़ेंगे तो आप अच्छे अच्छे पोस्ट पे नौकरी करेंगे, आपको ऊंचे पद की नौकरी भी मिलेगी, आप ऊंचे पद तक पहुंचेंगे। तो इस प्रकार खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। तो आशा है कि आज का यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों हमें भी बालिका दिवस को मनाना चाहिए। थैंक यू।